हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग विद सेंटेंसेस। प्लीज़ वीडियो को पूरी वाच कर लो। इनकरेज, हौसला अफजाई करना। दे इनकरेज्ड हर टू गो, उन्होंने उसे जाने का हौसला दिया। हैंग, लटकाना। वेयर शैल आई हैंग दिस कैलेंडर, मैं इस कैलेंडर को कहाँ लटकाऊंगा। वेयर शैल आई हैंग दिस कैलेंडर। ह्यूज, बहुत बड़ा। एट वर्क माई फादर ड्राइव अ ह्यूज ट्रक, काम पर मेरे वालिद एक बहुत बड़ा ट्रक चलाते हैं। नेसेसरी, ज़रूरी। मे बी इट वॉज नॉट नेसेसरी टू से एनीथिंग, शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। पैटर्न, खाका या नमूना। हाउ टू यूज़ पैटर्न इन अ सेंटेंस, एक जुमले में खाके का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पर्पस, मकसद। द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग इज टू गेट इनटू शेप, वर्जिश का मकसद शक्ल में आना है। पैटर्न, हाउ टू यूज़ पैटर्न इन अ सेंटेंस, एक जुमले में खाके का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रिलीज, छोड़ना। शी रिलीज द बर्ड फ्राम हर हैंड्स, इसने परिंदे को अपने हाथों से छोड़ दिया। रिक्वायर, ज़रूरत होना। वी रिक्वायर्ड टीचर टू टीच द स्टूडेंट्स, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ज़रूरत होती है। सिंगल, एक। आई हैव अ सिंगल की इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक ही चाबी है। सक्सेस, कामयाबी। एवरी पर्सन गोल इज टू गेट सक्सेस, हर इंसान का मकसद कामयाबी हासिल करना है। टियर, पढ़ना। इट इज़ ईजी टू टीयर पेपर, कागज़ पढ़ना आसान है। थ्योरी, नज़रिया। वी टॉक्ड अबाउट आइंस्टाइन थ्योरी इन द क्लास, हमने क्लास में आइंस्टाइन के नज़रिए के बारे में बात की। प्रपोज, तजवीज़ करना। दे मेयर proposed a plan for a new bridge, मेयर ने नए पुल का मंसूबा तजवीज़ किया। against, खिलाफ। I am against bad habits, मैं बुरी आदतों के खिलाफ हूँ। beach, साहिल समंदर। the boy built a sand castle ऑन द बीच, लड़के ने साहिल समंदर पर रेत का किला बनाया। डैमेज, नुकसान। द कार वॉज डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। डिस्कवर, दरियाफत करना। आई डिस्कवर्ड सम न्यू इंफॉर्मेशन, मैंने कुछ नई मालूमात दरियाफत की। इमोशन, जज्बा। एंगर इज अ कॉमन इमोशन इन ऑल, गुस्सा सब में एक मुश्तरक जज्बा है। फिक्स, ठीक करना। ही फिक्स्ड द फेंस लास्ट वीक, इसने पिछले हफ्ते बाड़ को ठीक किया। फ्रैंक, खुलकर या बेझिझक। दे हैड अ फ्रैंक डिस्कशन अबाउट द इशू, उन्होंने इस मामले पर खुल कर बात की। आइडेंटिफाई, शनाख्त।
I used the file to identify his name. मैंने उसके नाम की शनाख्त के लिए फाइल का इस्तेमाल किया. Perhaps, शायद. Perhaps I will eat an apple for lunch. शायद मैं दोपहर के खाने में एक सेब खाऊंगा. Pleasant, खुशगवार. The boy has a pleasant look on his face. लड़के के चेहरे पर खुशगवार तासुर है. Prevent, रोकना. The accident could have been prevented. हादसे को रोका जा सकता था. Rock, पत्थर. I stacked rocks on top of one another. मैंने एक दूसरे के ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया. Save, बचाना. I want to help save the world. मैं दुनिया को बचाने में मदद करना चाहता हूँ. Step, कदम रखना. Be careful where you step. मुहतात रहें जहाँ आप कदम रखें. Still, अभी तक. They are still waiting in line to get tickets. वो अभी तक टिकट के असूल के लिए कतार में खड़े हैं. Taste, जायका. The taste of fruit was sweet. फल का जायका मीठा था. Throw, फेंकना. The player can throw the baseball very fast. खिलाड़ी बेसबॉल को बहुत तेजी से फेंक सकता है. Wave, लहर. The water was filled with the large waves. पानी बड़ी लहरों से भर गया था. Benefit, फ़ायदा. Being able to fly is a good benefit to birds. उड़ने के लिए काबिल होना परिंदों के लिए अच्छा फ़ायदा है. Certain, यकीनी या हतमी. I am certain that he can do it. मुझे यकीन है कि वो ये कर सकता है. Chance, मौका. I had a chance to see the lion last night. मुझे कल रात शेर देखने का मौका मिला. Effect, असर होना. The medicine had a good effect on boy. लड़के पर दवा का असर अच्छा असर हुआ. Essential, लाजमी या ज़रूरी. Mistake or an essential part of education. गलतियाँ तालीम का लाजमी हिस्सा है. Far, दूर. Their house is too far. इनका घर बहुत दूर है. Focus, तवज्जो देना. Focus on your studies. अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे. Function, काम करना. The new machines function well. नए मशीन अच्छी तरह काम करती हैं. Grass, the grass looked so soft and green. घास बहुत नरम और सब्ज लग रही थी. Image, तस्वीर. The image of her eye was very clear. इसकी आंखों की तस्वीर बहुत वाजह थी. Immediate, फौरन. An immediate response came from a girl. एक लड़की की तरफ से फौरी जवाब आया. Primary, बुनियादी. His primary thoughts are about money. इसके बुनियादी ख्यालात पैसे के बारे में हैं. Proud, फ़ख्र. We should proud to be Muslim. हमें मुसलमान होने पर फ़ख्र होना चाहिए. Separate, अलग करना. They were separated into two groups. वो दो गिरोह में बट गए. Site, जगह. We found the perfect site for our picnic. हमें अपनी पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह मिल गई. Trouble, परेशानी.
आई हैव ट्रबल वर्किंग विद माई बॉस, मुझे अपने बॉस के साथ काम करने में परेशानी है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने का, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।